हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छे से हैं? सबकी तबीयत ठीक है? वेरी गुड। अब आप लोगों को ईवीएस में हम लेसन पढ़ रहे थे, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था डम शराड गेम्स के बारे में, जिसमें कि बच्चों को एक पीस ऑफ पेपर में कुछ लिख करके दे दिया जाता है और उसी के हिसाब से बच्चा एक्शन करके और बताता है, और सामने वाला बच्चा जो है उसको एक्शन देख करके गेस करता है कि क्या मैंने इसके कहने का अर्थ है। तो बच्चों, ये तो था खेल की बात। अब बच्चों, हम में से बहुत लोग आसानी से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक एक्सरसाइज है, वन हु कैन नॉट सी, वो जो कि देख नहीं सकता है, उसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड। सेकेंड है वन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसा व्यक्ति जो कि बोल नहीं सकता, उसको गूंगा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डम्ब। वन हु कैन नॉट हियर, वो जो कि सुन नहीं सकता है, उसको कहते हैं हिंदी में बहरा और इंग्लिश में कहते हैं डीव। वन हु कैन नॉट वॉक, वो जो कि चल नहीं सकता है, उसको हिंदी में कहते हैं लंगड़ा, इंग्लिश में कहते हैं लेम। तो बच्चों, ये था कि तरह तरह के लोग हैं जिनको कि दिखाई नहीं देता है, जिनको बोल जो कि बोल नहीं पाते हैं, जो कि सुन नहीं पाते हैं या कि चल नहीं पाते हैं। तो बच्चों, ऐसे लोग अपने काम को अलग अलग तरी अलग अपने अलग तरीके से करते हैं, उनके काम करने का ढंग अलग होता है। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों को डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा जाता है। दीज पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर एबल टू डू थिंग्स इन डिफरेंट वेज। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने काम को अलग तरीके से करते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों कि जो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमको किसी का आंखें देख करके, चेहरा देख करके बता सकते हैं कि ये क्या शैतानी कर रहा है। वन आवर आइज टेल्स अ लॉट, हमारी आंखें बहुत कुछ बता देती हैं। स्मॉल चिल्ड्रन टेल्स अ लॉट थ्रू देयर फेस, छोटे बच्चों का चेहरा देख करके हम बता देते हैं, या घर में बड़े लोग बता देते हैं कि इन्होंने क्या शैतानियाँ की। एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, और इसके पहले कि वो बोलें, उसके पहले ही उनको बता देते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो ये कहा गया है कि इंसान का चेहरा ही उसका मिरर है, उसका दर्पण है। ऑब्जर्व चिल्ड्रेन अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। यहाँ पर माने 8 महीने में जो है इन बच्चे अपने एरिया में देखना है कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ये। तो ये बच्चों, जैसे कोई अचानक डर गया है तो वो बिल्कुल से भयभीत चेहरा बनाएगा, और जो बहुत खुशी है खुश है वो उसका खिला हुआ चेहरा होगा, और जो माने अच्छा भय उसको सता गया है तो अलग तरीके का एक्सप्रेस करेगा।
तो यू मस्ट बी वंडरिंग वॉट काइंड ऑफ फेसेस आर दीज आर, दे हैव नो आइज नो नोज नो माउथ। अब इसमें आगे ये चित्र बने हुए हैं जिसमें कि ना आँख हैं और ना मुंह है, उसमें हमको उनकी स्थितियों को देख करके और इनका चित्र बना के बताना है। पहला है दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन। ये आफ्ताब हैं, इनका जो फेवरेट खिलौना था वो गिर गया और टूट गया। ही इज सैड, और ये दुखी हैं। हाउ विल हिज फेस लुक, चेहरे तो इसका चेहरा कैसे दिखेगा बच्चों? इसका चेहरा बिल्कुल ऐसे दिखेगा और इनकी आँखें ये होंगी। तो ये फेस एक्सप्रेशन से हमको पता चल जाएगा कि ये सैड हैं, दुख हैं, दुखी हैं। दिस इज जूली, ये जूली है, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे, कल ही इनकी छोटी बहन का जन्म हुआ। शी इज वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हाउ विल हर फेस लुक, इनका फेस कैसा दिखेगा? तो इनका चेहरा बच्चों खुश दिखेगा, हैप्पी दिखेगा, जो कि हम इसमें चित्र में बना देते हैं। ये आपको अपनी बुक में ही करना है। दिस इज यामिनीज मदर, ये यामिनी की माँ है। टुडे व्हाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, जब यामिनी किचन से अचार की बॉटल निकाल रही थी, इट फेल डाउन, वो गिर गई फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से, एंड ब्रोक, और वो टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, अब आप देखिए कि उनकी माँ का चेहरा कैसा होगा। बच्चों आपको खुद पता होगा कि जब आपसे कोई भारी भूल हो जाती है तो माँ का चेहरा बिल्कुल तमतमा जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो ये उनका चेहरा होगा संभवतः, जो कि होगा, और इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अगर चित्र नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो हम इसको फोटो खींच करके भेज देंगे और आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दिस इज रेहाना, ये रेहाना है, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इनको कुत्तों से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग, खेलते समय सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, और खेलते समय अचानक इनके सामने डॉग आ जाता है, कुत्ता आ जाता है। हाउ विल रेहाना फेस लुक, अब तो रेहाना का चेहरा कैसे दिखेगा बच्चों? तो रेहाना का चेहरा बिल्कुल से भयभीत दिखेगा। तो ये इसका चित्र होगा, ऐसे माने आप अपने पेंसिल से अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लेंगे। एक वो अपनी आँख बंद कर लेगी डर के मारे, और दूसरी आँख से चुपके से देखेगी, और डर के मारे कभी कभी कुछ लोगों, कुछ बच्चों के मुंह से जीभ निकल आती है भयभीत होते से, तो ये उसका चेहरा होगा। थैंक यू।